नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही यूजफुल चीज लेके आई हूँ। पुराने बर्तन में मेरे पास एक फ्राई पैन टूटा हुआ था, मैंने देखा तो मुझे एक आइडिया आया, मुझे लगा आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर करना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा ये आइडिया कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा टाइम पर पहुंचते रहें। चलिए फिर देखते हैं हमारा ये पुराना कबाड़ भी कितना काम आता है, और ये कबाड़ तो बहुत ही यूजफुल है। आप भी देखिएगा और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए, मेरे पास ये एक नॉन स्टिक तवा रखा हुआ था पुराना, इसकी हैंडल मैंने थोड़ा सा ऊंची कर दी है जिससे ये एक बिल्कुल रैक के जैसा हो गया है शेप इसका। अब मैं इसी में देखूँ, इसी को डेकोरेट करूँगी। मुझे ये पुराना हो गया था, फेंकने का सोचा कि फेंक दूँ, लेकिन ये आइडिया आया तो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये मेरे पास स्प्रे रखा हुआ है, आप कलर भी कर सकते हो। ये ब्लैक स्प्रे है, इससे मैं बैक साइड ब्लैक कर दूंगी, क्योंकि हम जब इसे दीवार पर लगाएंगे तो ये थोड़ा ऊंचाई पर रहेगा, तो इस वजह से ये ऊपर का पोर्शन नहीं दिखेगा, तो इसलिए बैक वाला ज़्यादा अच्छे से इसे मुझे डेकोरेट करना है, क्योंकि बैक वाला पोर्शन ज़्यादा दिखेगा। ये हमारा ब्लैक हो गया है, कितना ही शाइनिंग कर रहा है। बॉर्डर इसका हमें बनाना है। देखिए, हमने बॉर्डर के लिए पर्पल कलर, कुछ पर्पल कलर यूज़ किया है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। ये पर्पल कलर हमारा हो गया है, कितना ही शाइनिंग कर रहा है। अब इसमें ये जो तावे में ऊपर के साइड, बैक साइड में ये जो बॉर्डर बॉर्डर सा दिख रहा है और सर्कल में, इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। वाइट कलर से इसका बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा, कुछ एवी लाइव वाला लुक देगा अगर मैं इसे वाइट कलर से करूँगी तो, इसीलिए मैंने इसे वाइट कलर से करने का सोचा है। पहले मैंने जो बॉर्डर तैयार किया था पर्पल कलर का, उस पर मैंने कुछ डॉट डॉट से वाइट कलर के रख दिए हैं, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही बेस्ट आ रहा है। ये देखिए, बहुत ही गुड लुक लगने लगा है ये। और अब हम इसके बाद इसके ऊपर साइड के सर्कल की तरफ चलेंगे। सर्कल में हम देखिए बहुत ही शाइनिंग करने लगा है ये, अभी से ही बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब चलिए देखते हैं, हम आगे अपना वाइट कलर इसमें करते हैं। ये हमारा वाइट कलर सर्कल में हो जाएगा बहुत ही ईजली, क्योंकि इसमें सर्कल की कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही आराम से वाइट कलर आएगा इसमें। ये देखिए, हमारा वाइट कलर का सर्कल बहुत ही इजीली तैयार हो गया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ही डिज़ाइन तैयार थी। अब हम इसमें पिंक कलर का दूसरी डिज़ाइन से तैयार करेंगे। ये बिल्कुल लग रहा है ना एवेलाई वाला लुक, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे तो अभी से ही बहुत पसंद आने लगा है, आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा ज़रूर। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए फिर हम देखते हैं हमारी अगली डिज़ाइन क्या होगी। अब हमारे इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, इस वजह से हम इसमें कुछ लीफ टाइप की, येलो कलर की लीफ या पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं, उस तरह से हम तैयार करेंगे। देखिए, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा येलो येलो कलर का ऐसे ही पहले डिज़ाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर के पोर्शन को भरेंगे। ये जैसे जैसे ही तैयार हो रहा है वैसे वैसे ही देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इसके फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये बिल्कुल, ये तो मुझे स्टैंड के बजाय वॉल में ऐसे ही टांगने में ये और खूबसूरत लगेगा, लेकिन मैंने इसे स्टैंड के पर्पस से तैयार किया है, इसलिए हम इसे स्टैंड ही बनाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये आधे में ही कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए बिल्कुल। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सनफ्लावर वाला लुक दे रहा है, वाओ ब्यूटीफुल। इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दिख रहा था ब्लैक कलर का, इसलिए मैंने येलो कलर का सर्कल तैयार किया है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, फ्लावर भी बना सकते हो।
ये हमारा देखिए येलो कलर का सर्कल हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमारे ये जो डॉट डॉट है इसके बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस है, इसके लिए भी हम थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन सोचेंगे। अभी तो हमें अंदर भाई इसमें अंदर भी कुछ डिज़ाइन कर दी जाए ताकि ये हमारा प्लांटर जब इसमें रखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगे। चलिए हम देखते हैं अंदर हम क्या करते हैं। पहले तो हम इसके बॉर्डर को तैयार कर लेंगे। येलो कलर मैंने लुक दिया है क्योंकि नीचे येलो बहुत यूज़ हुआ है। ये हमारा येलो कलर का बॉर्डर तैयार हो गया। अब इसमें भी मैं कुछ सनफ्लावर वाला लुक दूंगी लेकिन येलो कलर से खाली सर्कल रहेगा। फ्लावरिंग इसकी कुछ पिंकिश पिंकिश सा देंगे ताकि ये बहुत ही ग्रीन में, जब पिंकिश पिंकिश प्लांटर ग्रीन प्लांटर में जब पिंकिश पिंकिश रखा रहेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसलिए मैंने इसे बीच में सोचा है कि येलो बहुत हो गया है यार, इसलिए अब इसमें पिंक कलर का हम फ्लावर तैयार करेंगे। कुछ यूँ आप इस तरह से पिंक कलर के फ्लावर बना सकते हैं। आप इसमें स्टिकर भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लगेगा। बॉर्डर के में इसमें आप लेस भी लगा सकते हैं। मुझे ये कलरिंग, मेरी पेंटिंग थोड़ा ठीक ठाक है इसलिए मैंने सोचा कलरिंग क्यों ना की जाए, इससे बहुत ही बेहद खूबसूरत लुक आ रहा है। आप भी इस तरह से कुछ बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पेन हो आपके पास या कुछ भी पुराने बर्तन हो तो आप ऐसे ही, प्लेट हो तो आप ऐसे कलरिंग करके डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो गया है। आगे भी सूख गया है हमारा, ये पीछे भी सूख गया है। अब हमें इसके हैंडल के बारे में सोचना है। हैंडल में डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ इसी तरह से केवल बॉर्डर बना लेना है ताकि ये खाली लाइनिंग लाइनिंग सा रहे और ब्यूटीफुल भी लगे। ये देखिए हमारा फैन तैयार है पूरी तरह से, कलरिंग हो गई है इसकी, फाइनल टचअप हो रहा है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को और भी लोगों तक पहुंच सके कि वेस्ट मटेरियल या वेस्ट बर्तन से भी कुछ बेहद खूबसूरत तैयार हो सकता है। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल से रेडी है। ये देख हम आगे पीछे दोनों जगह हमने तैयार कर लिया है। अब डॉट वाली जगह जो हमारे स्पेस बचे थे उसमें हम कुछ ट्रायंगल टाइप का तैयार करेंगे। तो ये मेरे किचन का रसोई दिखा दी, देखिए मैंने ये इसमें ये चम्मच स्टैंड बाउल स्टैंड तैयार किया था, स्टैंड और बाउल स्टैंड बनाया था। ये वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, मिल जाएगा, आप देखिएगा लिंक में होगा। और ये कप स्टैंड मैंने तैयार किया है, ये कप स्टैंड मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पेन से बनाया था, ये मुझे बहुत पसंद है। चलिए फिर हमारा ये फ्राई पैन स्टैंड तैयार किया है, देखिए कैसे हम यूज करते हैं। उसे हम डेकोरेट लगाते हैं, कहाँ लगाना है। ये मैंने ये प्लांटर तैयार किया था, मनी प्लांट इसमें लगाया है। अगर आपको देखना होगा तो ये भी वीडियो मेरे पास है, आप देखिएगा ज़रूर। ये हम यहाँ पर स्पेस खाली है, इसी स्पेस में हम इसे लगाएंगे और इसी पर हमारा ये छोटा सा प्लांटर बहुत बेहद ही खूबसूरती से यहाँ रख उठेगा। देखिए बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रहा है, वाव। ऐसा ही कुछ अगर आपके घरों में स्पेस खाली हो तो आप ऐसे ही सजा सकते हैं, ऐसा बनाकर। ये देखिए बिल्कुल है ना यूनिक सा। फ्राई पैन का यूज़ भी बहुत ही यूनिक है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मेरी जगह बहुत ही खूबसूरत लगने लगी है इसको टांगने से, और ये मेरे पैन का यूज़ भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। ये तो यार कमाल हो गया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, वाव। ऐसा कॉर्नर या रैक तो लेना ही मुश्किल था, ये सोचा नहीं था कि पेन से इतना खूबसूरत तैयार हो सकता है। ऐसा आइडिया अगर आपके पास भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इससे भी कुछ अच्छा हो सकता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। है ना बेहद खूबसूरत, बताइएगा ज़रूर एक बार। ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, ये ऊपर हो या नीचे हो कहीं भी आप ये इसे, यार मैंने तो किचन में यूज़ किया है, आप इसे रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं, ये बेहद ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए वाव।
है ना जी, बहुत यूजफुल, बहुत ही यूजफुल लगा ना ये। आपके पास भी ऐसे ही कुछ पुराने बर्तन हो तो आप भी यूज करिए और बताइएगा हमें हमारा ये आइडिया कैसा लगा। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय। चलिए फिर देखते हैं।